हेलो गाइज, वेलकम बैक। इस वीडियो में आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत है। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईफोन 5S के टॉप बेस्ट सीक्रेट हिडन फीचर्स के बारे में, जो कि बिल्कुल नए हिडन फीचर्स हैं और आप सभी को इन फीचर्स के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। गाइज, अगर आप आईफोन 5S को यूज़ करते हो, वो भी 2022 में, सो गाइज़ ये जो फीचर्स हैं बहुत ही कमाल के होने वाले हैं। गाइज़, यहाँ पर आप सभी चेक कर सकते हो, मेरे पास है आईफोन 5S और इसका जो सॉफ्टवेयर वर्जन है वो लेटेस्ट यहाँ पर मैंने इंस्टॉल कर रखा है अपने iPhone 5S में, जो कि है iOS 12.5.5 का लेटेस्ट एस वर्जन है। सो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम अपने iPhone 5S में अपनी एप्लीकेशंस को कैसे हाइड कर सकते हैं, चाहे वो एप्लीकेशंस आपने अपने ऐप स्टोर में से इंस्टॉल किए हैं, चाहे वो आपकी iPhone की इनबिल्ट एप्लीकेशंस हैं। जैसे कि हमें अपने iPhone में सोशल मीडिया की एप्लीकेशंस को कैसे हाइड करना है और अपनी iPhone की इनबिल्ट एप्लीकेशंस को कैसे हाइड करना है। सो गाइस, सबसे पहले यहाँ पर आपको सेटिंग्स एप्लीकेशन को ओपन करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको स्क्रीन टाइम के ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कंटेंट एंड प्राइवेसी रिस्ट्रिक्शंस की ऑप्शन है, इसके ऊपर आपने टैप करना है और यहाँ पर आपको सेकंड नंबर के ऊपर ये ऑप्शन दिखाई देगी अलाउड ऐप्स की, इसके ऊपर आपने टैप करना है। सो गाइज, यहाँ पर आप सभी देख सकते हो, ये है आईफोन की इनबिल्ट एप्लीकेशंस, तो इन्हें आप बड़े ही आसानी से हाइड कर सकते हो। सिंपली मैंने यहाँ पर अपने कैमरा एप्लीकेशन को हाइड किया और यहाँ पर मैंने अपनी जो फेस टाइम की एप्लीकेशन है उसे भी हाइड कर दिया, सफारी ब्राउज़र को भी हाइड कर दिया और अपने वॉलेट को भी हाइड किया। तो सिंपली मैंने बैक चलाया आईफोन की होम स्क्रीन के ऊपर, तो यहाँ पर आप सभी चेक कर सकते हो, कोई भी एप्लीकेशन अब यहाँ पर आपको दिखाई नहीं देगी जो हमने यहाँ पर हाइड की थी अपनी सेटिंग्स एप्लीकेशन में। यहाँ पर आप सभी चेक कर सकते हो, कोई कैमरा की एप्लीकेशन नहीं है और ना ही यहाँ पर नीचे सफारी ब्राउज़र की है और यहाँ पर फेस टाइम की एप्लीकेशन भी नहीं है और ना ही यहाँ पर आईफोन के वॉलेट की एप्लीकेशन है। यहाँ पर आप सभी चेक कर सकते हो, अगर आपको इन्हें इनेबल करना है, अनहिडन करना है, तो सिंपली वही सेटिंग्स को ओपन करना है, कंटेंट प्राइवेसी रिस्ट्रिक्शंस के ऊपर क्लिक करना है, अलाउड ऐप्स के ऊपर आपने टैप करना है, यहाँ पर जो एप्लीकेशंस आपने हाइड की है उन्हें आपने अनहाइड कर देना है। सफारी को भी हाइड कर दिया और यहाँ पर कैमरा को भी अनहाइड कर दिया और वॉलेट की भी एप्लीकेशन को यहाँ पर मैंने अनहाइड कर दिया। सो गाइस, यहाँ पर चेक करते हैं, अब अपनी एप्लीकेशंस यहाँ पर आपको सारी की सारी दिखाई देंगी जो कि मैंने यहाँ पर हाइड की थी अभी कुछ सेकंड्स पहले। तो गाइस, यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, कैमरा की एप्लीकेशन आ चुकी है, सफारी की भी आ चुकी है, वॉलेट की भी आ चुकी है और साथ में फेस टाइम की एप्लीकेशन भी यहाँ पर आ चुकी है। सो गाइस, अब हम बात करते हैं कैसे हम अपनी सोशल मीडियाज़ की एप्लीकेशंस को हाइड कर सकते हो, जैसे कि यूट्यूब होगी, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप एप्लीकेशन होगी और भी आप जो भी सोशल मीडिया की एप्लीकेशंस को यूज़ करते हो उन्हें कैसे हाइड करना है किसी भी आईफोन में। हर एक आईफोन में ये जो प्रोसेस है काम करेगा। सिंपली आपने फिर से यहाँ पर कंटेंट प्राइवेसी रिस्ट्रिक्शंस के ऊपर टैप करना है और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन कंटेंट रिस्ट्रिक्शंस का, इसके ऊपर आपने टैप करना है और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी एप्लीकेशंस की ऑप्शन, इसके ऊपर आपने टैप करना है। बुक्स के नीचे वाला जो ऑप्शन है ऐप्स का है उसके ऊपर टैप करना है और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 4+ की ऑप्शन है। जैसे यहाँ पर आप 4+ के ऊपर टैप करोगे तो आपकी सारी की सारी जो सोशल मीडिया की एप्लीकेशंस होंगी वो सारी की सारी हाइड हो जाएंगी आपके आईफोन में से। तो गाइज, यहाँ पर आप सभी चेक कर सकते हो, मेरे यहाँ पर यूट्यूब भी यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं शो हो रही और जो भी मेरे आईफोन में 4+ ईयर्स के जो एप्लीकेशंस थे वो यहाँ से हाइड हो चुके हैं, जिनमें अपने सोशल मीडियाज़ की एप्लीकेशंस आती हैं, व्हाट्सएप हो गया, अपना इंस्टाग्राम की एप्लीकेशन और ट्विटर और फेसबुक की एप्लीकेशंस आपके सारी की सारी हाइड हो जाएंगी और उन्हें कैसे अनहाइड करना है कंटेंट रिस्ट्रिक्शन के ऑप्शन के ऊपर फिर से टैप करना है। तो फिर से यहाँ पर कंटेंट रिस्ट्रिक्शंस के ऊपर आपने टैप करना है, ऐप्स को आपने यहाँ पर अलाउ ऑल द ऐप्स के ऊपर आपने सेलेक्ट कर देना है। जैसे ही यहाँ पर सेलेक्ट कर दोगे तो आपने यहाँ पर बैक जाना है अपने आईफोन की होम स्क्रीन के ऊपर, तो यहाँ पर आप सभी चेक कर सकते हो, मेरे यूट्यूब की एप्लीकेशन यहाँ पर आ चुकी है मेरे आईफोन के ऊपर। यहाँ पर आप देख सकते हो क्रोम की भी एप्लीकेशन यहाँ से हाइड हो चुकी थी और मेरी VN की भी एप्लीकेशन यहाँ से हाइड हो चुकी थी मेरे आईफोन में से। सो गाइस, ऐसे आप अपने किसी भी आईफोन में अपनी एप्लीकेशंस को हाइड कर सकते हो, चाहे वो आपकी सोशल मीडिया की एप्लीकेशंस हैं, चाहे वो आपकी आईफोन की इनबिल्ट एप्लीकेशंस हैं। सो गाइस, अब हम बात करते हैं हम अपने आईफोन 5S में अपनी फोटोज़ को कैसे हाइड कर सकते हैं। सो गाइस, जैसे कि यहाँ पर मैंने अपनी फोटोज़ एप्लीकेशन को यहाँ पर ओपन किया और यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, ये है मेरे पास एक फ़ोटो, मैंने इस फोटो को हाइड करना है। सिंपली मैंने यहाँ पर शेयर के ऊपर टैप करना है। सो गाइस, बेसिकली हम करते हैं क्या कि हम यहाँ पर हाइड के ऊपर टैप कर देते हैं तो हाइड हो जाती है अपनी फ़ोटो यहाँ से, वो भी यहाँ पर ऑल फोटोज़ में थे
हाइट तो हो जाती है, बट यहाँ पर आपको बॉटम के ऊपर ये जो हिडन का फोल्डर है वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा और कोई भी आपकी जो फोटोज़ वीडियोस आपने हाइड कर रखी होंगी वो बड़े ही आसानी से देख सकता है। सो गाइस इसको आपने प्रोसेस को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना, ये आपका पुराना प्रोसेस हो चुका है, आपको नया प्रोसेस यूज़ करना है जो इस वीडियो में आप सभी से मैं शेयर करूँगा। तो आपने सिंपली यहाँ पर अनहाइड करना है और यहाँ पर मैंने इस जो फोटो है इसको मैंने हाइड करना है। एडिट के ऊपर आपने टैप करना है, एडिट के ऊपर टैप करने के बाद आपको यहाँ पर क्रॉप के ऊपर आपको टैप करना है। तो जैसे ही यहां पर क्रॉप के ऊपर टैप करोगे तो आपके सामने यहां पर इस फोटो को आपने बिल्कुल क्रॉप कर देना है, जैसे कि मैं इस वीडियो में आप सभी के साथ में शेयर कर रहा हूं। तो आपने सिंपली यहां पर इसे बिल्कुल जूम कर लेना है और यहां पर आपको वाइट पोर्शन को चूज कर लेना है। पर्टिकुलर पोर्शन आपने चूज करना है जहां पर आपको बिल्कुल भी किसी को भी ये दिखाई ना दे कि आपकी ये फोटो है या कोई वाइट ग्राउंड है। तो गाइस जब भी आपकी कोई फोटो या वीडियो को अप ओपन करेगा उसको सिर्फ अब ये वाइट बैकग्राउंड ही देखने को मिलेगी, उसको बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा कि इसमें कोई फोटो थी आपकी, कोई डॉक्यूमेंट था जो कि आपका पर्सनल डॉक्यूमेंट था, उसको बिल्कुल भी ये खबर नहीं पड़ेगी। सो सिंपली इसको पहले जैसा करने के लिए एडिट के ऊपर आपने टैप करना है और यहाँ पर आपको रिवर्ट की ऑप्शन दिखाई दे रही होगी, रिवर्ट के ऊपर आपने टैप कर देना है, रिवर्ट टू ओरिजिनल। तो जैसे ही रिवर्ट टू ओरिजिनल पे ऊपर टैप करोगे तो आपकी जो फोटो थी वैसी की वैसी हो जाएगी जैसी पहले थी। यहाँ पर आप सभी देख सकते हो बिल्कुल पहले जैसी अपनी फोटो यहाँ पर निकल कर आ चुकी है अपने आईफोन 5S में। सो गाइज अब हम तीसरे नंबर के ऊपर बात करते हैं आईफोन के कैलकुलेटर के एक ऐसे हिडन फीचर के बारे में जो शायद ही आप सभी को पता होगा। सो गाइज यहाँ पर आप सभी देख सकते हो मैंने एक यहाँ पर कैलकुलेशन कर रखी है। सो गाइज बेसिकली अगर आपको यहाँ पर अपने आईफोन में से कैलकुलेटर में से लास्ट डिजिट को रिमूव करना हो किसी भी आईफोन में से तो वो आप कैसे कर सकते हो, सिंपली हम करते हैं क्या कि बेसिकली एसी के ऊपर टैप करते हैं और यहाँ पर आपकी सारी की सारी कैलकुलेशन रिमूव हो जाती है आपके आईफोन में से। सिंपली आपने यहाँ पर स्वाइप करना है, राइट टू लेफ्ट भी कर सकते हो और लेफ्ट टू राइट भी स्वाइप कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर लेफ्ट टू राइट को स्वाइप कर रहा हूँ तो मेरा लास्ट डिजिट ऑटोमेटिकली रिमूव होता जाता है मेरे आईफोन कैलकुलेटर में से। बहुत ही बढ़िया ये जो कैलकुलेटर की ट्रिक है, आप सभी को इसके बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। इसके साथ आप अपने कैलकुलेटर को यूज़ करके अपने लास्ट डिजिट को भी रिमूव कर सकते हो। सो गाइज अब हम बात करते हैं आईफोन में कैसे हम स्टाइलिश मैसेजेस को सेंड कर सकते हैं, स्टाइलिश फ़ॉन्ट के साथ किसी भी मैसेज को कैसे सेंड कर सकते हैं। चाहे आप उस स्टाइलिश फ़ॉन्ट को आप अपने व्हाट्सएप में अप्लाई करो, चाहे आप अपने इंस्टाग्राम की एप्लीकेशन में उस स्टाइलिश फ़ॉन्ट के साथ किसी को मैसेज सेंड कर सकते हो। कैसे, आपने सिंपली यहाँ पर सफारी ब्राउज़र को ओपन करना है। तो जैसे ही ओपन करोगे आपको यहाँ पर एक वेबसाइट को सर्च करना है जिसका नाम है lingojam.com। तो यहाँ पर आपको बहुत से वैरायटी के जो फ़ॉन्ट के जो टेक्स्ट हैं वो आपको देखने को मिले, बहुत स्टाइलिश फ़ॉन्ट आपको इस वेबसाइट पर आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखना है गुड मॉर्निंग, मैंने टाइप किया गुड मॉर्निंग और यहाँ पर आपको देख सकते हो नीचे बॉटम के ऊपर आपको बहुत से स्टाइलिश फ़ॉन्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो गाइज़ यहाँ पर देख सकते हो ये है अपना जो हमने नॉर्मल फ़ॉन्ट यहाँ पर टाइप किया था और उसके बाद आपको ऊपर को जाना है और यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे सारे के सारे ये जो स्टाइलिश फ़ॉन्ट हैं, आप इन्हें यूज़ कर सकते हो किसी भी एप्लीकेशन में, किसी भी सोशल मीडिया की एप्लीकेशन में। जैसे कि यहाँ पर आप सभी चेक कर सकते हो ये वाला जो फ़ॉन्ट है मेरे को बहुत ही बढ़िया लगा, ये चेक कर सकते हो सेकेंड नंबर के ऊपर। इसको आपने कैसे कॉपी करना है, डबल टैप करना है। तो जैसे यहाँ पर डबल टैप करोगे तो आपने यहाँ पर सेलेक्ट को चूज़ करना है, सेलेक्ट करने के बाद आपको इसे कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पर अपनी मैसेजेस की एप्लीकेशन को ओपन करना है या अपनी व्हाट्सएप की एप्लीकेशन को आपने ओपन करना है। तो यहाँ पर मैंने न्यू नोट्स को यहाँ पर ओपन किया, न्यू मैसेज को, और यहाँ पर मैंने इसे सिंपली पेस्ट कर देना है जो भी मैंने वहाँ से फ़ॉन्ट उठाया था। तो गाइस यहाँ पर आप सभी चेक कर सकते हो सेम टू सेम फ़ॉन्ट जो है स्टाइलिश फ़ॉन्ट में आप किसी को भी मैसेज को सेंड कर सकते हो, वो भी अपने किसी भी आईफोन में। सो गाइस बहुत ही बढ़िया ये जो आईफोन के ट्रिक्स हैं, आप सभी को इनके बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। ये जो हिडन फीचर्स हैं आईफोन के, आप सभी को इनके बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। सो गाइस ये थी आज की वीडियो। सो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दें, अपने चैनल को भी जो सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में गाइस। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग।